यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 54। यशायाह अध्याय 54। हे बांज, तू जो पुत्रहीन है जय जयकार कर। तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिनी के लड़कों से अधिक है। यहोवा का यही वचन है, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खुंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएंगे। तू मत डर, क्योंकि फिर तेरी आशा नहीं टूटेगी। तू मत घबरा, क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर स्याही न छाएगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपनी विधवापन की नामधराई को फिर स्मरण न करेगी। क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इसराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, और वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया स्त्री और जवानी में त्यागी हुई स्त्री है। तेरे परमेश्वर का यही वचन है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ तो दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया, पर करुणा करके मैं तुझ पर सदा के लिए दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। यह तो मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर कभी न डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा का जो तुझ पर दया करता है, यही वचन है। हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है और जिसको शांति नहीं मिली, सुन, मैं तेरे पत्थरों को पच्चीकारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव में नीलमणि डालूंगा, और मैं तेरे कलश मानिकों के और तेरे फाटक लालडियों के और तेरे सब सिवानों को मनोहर रत्नों के बनाऊंगा, और तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धर्मी होने के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे। सुन, जो लोहार कोयले की आग फूंक फूंक कर अपनी कारीगरी के अनुसार हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, और उजाड़ने के लिए नाश करने वाला भी मेरा ही सृजा हुआ है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों में से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाव होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है।